गैर कानूनी माइनिंग नूं लै के पंजाब सरकार उत्ते हमेशा तो ही सवाल चुके गए ने। उत्ते ही हुण दूजे पासे पंजाब विच खासकर सरहदी इलाकां दे विच हो रही गैर कानूनी माइनिंग नूं लै के BSF ने रिपोर्ट दाखिल कीती है। पंजाब दे विच पाकिस्तान तो नाल लगदे इलाकां दे विच खास तौर ते गुरदासपुर अते पठानकोट दे विच चल रही गैर कानूनी माइनिंग दे मामले दे विच BSF ने हाई कोर्ट दे विच अपना जवाब दाखिल कीता है अते कहा है कि सूरज चढ़न तो पहला ते देर रात तक कई बार पूरी रात भी गैर कानूनी माइनिंग हुंदी है अते कई बार ता इस दे लई सैकड़े मजदूरां नूं भी लगाया जांदा है जिस दे बारे लोकल पुलिस नूं कोई जानकारी नहीं हुंदी। BSF दे इस जवाब ते चीफ जस्टिस रविशंकर झा ते जस्टिस अरुण पल्ली दी डिवीजन बेंच ने कहा कि बेहद ही गंभीर मामला है अते सुरक्षा ते वड्डे सवाल खड़े करदा है। हुण इस मामले दे विच पंजाब सरकार तों भी जवाब मंगिया है कि आखिर अजिहा क्यों हो रहा है। पिछली सुनवाई दे विच हाई कोर्ट ने कहा सी कि द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। उन्हां दा कहना यह सी कि केंद्र सरकार तुहानूं देख रहा है क्योंकि लंबे समय तो उत्थे गैर कानूनी माइनिंग हो रही है पर सरकार इस ते कोई जड़ा एक्शन नहीं ले रही। हालांकि यह भी दस दईए कि यह जड़ा इलाका है जिथे गैर कानूनी माइनिंग हो रही है यह बॉर्डर दे नाल लगदा है तो इस दे नाल ही जड़ा सुरक्षा नूं भी खतरा है कि आखिर उत्थे किस तरीके दे नाल माइनिंग की जा रही है। दूजे पासे वातावरण नूं भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है।